हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आहूजा कमेंट से। तो ये अभी तो बैठी थी, बैठने भी नहीं देते हैं लोगों को, बैठ भी नहीं सकते हैं। क्या देश आजाद हुआ है, अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकते। लोग आते हैं, उठा के चले जाते हैं, जब जसमीत का स्टूडियो होता था मैं और जसमीत आते थे। और जब तो स्टूडियो उसने बंद कर दिया, बुटीक वो करती रहती थी शॉपिंग, फैब्रिक ले रही होती यहीं पे। वो करती होती थी शॉपिंग, मैं यहीं पे बैठी होती थी, इन्हीं सबसे बातें करती थी, इन मैडम से करती थी, बैठ जाती थी यहाँ, आने जाने वाले उठाते थे। जैसे अब उठो, बैठने ही नहीं देता है कोई। अब नहीं उठूंगी मैं, कोई भी आ जाए अब मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। एक्चुअली आज है 31st और कल है 1st अप्रैल, जब मैं आप लोगों को बनाऊंगी अप्रैल फूल। तो अच्छा, कल 1 अप्रैल है, मैं तो मैं अप्रैल फूल मत बना दूँ छुट्टी करके। क्या हंस रही बेटा, छुट्टी मतलब भाभी लेंगे इसके बाद तो क्लास तेरी। हाँ, तो कल है टोनी का बर्थडे, तो उसी की तैयारियाँ चल रही है। अभी हम लोग चंदू की शॉप से आए हैं सारी चीज़ें लेके। वो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शूट नहीं करी क्योंकि आपके सूट गए सारी चीज़ें। अरे उनकी तो दुकान है यार, उठना पड़ेगा। उन्हीं की दुकान है पूजा वाले उनके छोटे बेटे। तो ये क्यों लिखा है यहाँ पे नौ, उसी की तैयारियाँ चल रही है। क्या लिखा है यहाँ पे नौ, वो मेरे लिए नहीं है। उसके हाथ हिला के देख रही है दीदी। मेरा महबूब आया। आपका महबूब का है वो, देखो है सामने। ओ आंटी, अकेले में भी सुनाते हैं, हमें सुना रहे हैं। देख लो आज ना खाना वाला बनते ना। सो गाइस, देखा आपने कि मेरे ये वाले दिन कितने ज्यादा मतलब भागम दौड़ी वाले चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, मायरा के बर्थडे की चल रही है, टोनी के बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही है, मेरी एनिवर्सरी भी आ गई थी। और आपने मेरे काफी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं सुबह सुबह ऐसे ही निकल जाती थी, सिर्फ चाय पी के, बिना कुछ करने टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी चीजें चल रही थी। इन सब कामों में लगे रहने की वजह से मेरे को इतनी टायर्डनेस फील होती थी, इतनी वीकनेस फील होती थी क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। गाइस, हमें भी न्यूट्रिशन की एनर्जी की जरूरत होती है। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली लेना स्टार्ट करा है। ये है वाओ लाइफ साइंस का मल्टी वाइटामिन फॉर वुमेन। ये मैंने कैप्सूल्स लेने स्टार्ट करे, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ किस तरह के हैं। ये स्पेशली वुमेन्स के लिए बना है जिसके अंदर 12 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। ये आपके बोन्स को, मसल्स को हेल्दी रखता है और इसमें 5 स्पेशलाइज्ड ब्लेंड हैं जैसे जूस लाइक कैरेट, बीटरूट एंड स्पिनिच एंड हर्ब्स एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड है, विटामिन ए बी सी ई B1 एंड B2 जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है और आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट रखता है। आप इसे कभी भी दिन में एक कैप्सूल किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये 100% वेजिटेरियन एंड ग्लूटेन फ्री है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो परचेज लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार चलिए जल्दी से अपनी शॉपिंग करने की वो करते हैं। Thank you.
ऑटो में यार, हमारा तो रोज गोल्ड है डेकोर। चलो ऑटो रुक गया, बताओ मुझे, बैठो ऑटो में सामान रखो। चलो थोड़ी देर बाद तो हम निकल जाएंगे ना बिहार, हमारी ट्रेन है बिहार की वापस, बिहार की, बिहार जाएंगे, वहाँ जाके लिट्टी चोखा खाएंगे। बिहार में लिट्टी चोखा होता है? बिहार में दाल भात चोखा। अंकल आप कभी बिहार गए हो? हम बेटा ना गए। कहाँ के हो? हम पटना के। चंदू की शॉप से आने के बाद, आहूजा से आने के बाद मैं घर चली गई थी, क्योंकि मुझे रास्ते में ही मम्मी का फोन आ गया था कि सायमा घर पे आई हुई है। फिर वो आई और मैंने फोन रख दिया, हमने खाया पिया बातें करी, फिर मैं नहाई और अब मैं आ गई हूँ सेम डे 31st लाजपत नगर मार्केट, क्योंकि दीपू ने अभी तक मारा के बर्थडे के लिए कुछ नहीं लिया, तो परसों बर्थडे है, आज शॉपिंग हो रही है हमारी। और मुझे भी अपने लिए हील्स लेनी है और शायद कोई क्लच या पर्स कुछ लूँ मैं। तो बस हम लोग ऑन द वे हैं और हम काफी लेट हो गए हैं, सवा सात बज रहे हैं। मैंने कहा है? और तमन्ना भी है, मुझे दिख नहीं रही होगी आप। इधर देखो, मैं इनके कमरे में आई हूँ। कहा है? कहा है? इसको मारने के चक्कर में दिखा, मेरा टीवी नहीं है रूम में, मर गया। वीडियो डालूंगी, मच्छर मारने के चक्कर में टीवी खराब कर दिया मैंने अपना, लेकिन मच्छर मार देते हूं। विश करके मंपियो। ये तो वैसे भी 2 बजे तक जागती है, बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है दीपू आज। वैसे 3-2-3 दिन से हवा अच्छी चल रही है, कल भी अच्छा रहेगा मौसम, कल भी अच्छा रहेगा। जसमीत कह रही है विश करके चलते हैं, फिर आधे घंटे वो उठ ही जाएंगे। हाय गाइस, सॉरी तो मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, मैं मार्केट से भी आ गई हूँ, मैंने खाना भी खा लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है मेकअप जो कि करा है मायरा ने मेरा। घर पर आई तो मुझे फ़ोन आ गया था मार्केट में ही कि मायरा की आवाज़ थोड़ी सी कम करा दी, वो कि मायरा की ना ड्रेस रिसीव हो गई थी घर पर ही, जसमीत ने पिक कर ली थी, कुरियर करवा दी थी उन्होंने वी फास्ट से। मैंने कस्टमाइज़ करवाई है मायरा की ड्रेस, और बस आकर मैंने उसको किस तरह से ड्रेस पहनाई है उसके लिए मुझे उसके हाथ में मेकअप पकड़ाना पड़ गया, तो वो मेरा मेकअप कर रही थी और हम उसको ड्रेस ट्राई करवा रहे थे, तो इस वजह से मायरा ने मेरा ये मेकअप करा है। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और अब हमें आधे घंटे बाद टोनी का बर्थडे है, तो उसकी भी हम सरप्राइज प्लानिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता अभी, कुछ भी छत पे ही कर रहे हैं। उसका व्लॉग भी इसके बाद शायद मिल जाएगा आपको, या हो सकता है इससे पहले मिल जाए वो वाला व्लॉग। तो बस फिर अभी हम जाएंगे छत पे थोड़ी सी चीज़ें करने, उसका मैं अलग से व्लॉग बनाने पे काम करती हूँ, तो उसका व्लॉग मुझे अभी से स्टार्ट करना है,
इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर ही एंड करूँ। आई होप आप लोगों को ये हबड़ दबड़ वाला ब्लॉग था ये, काफ़ी चीज़ शूट कर पाई, काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाई। आई नो आजकल मैं ब्लॉग मेरे सीक्वेंस में नहीं आ रहे, आप लोग भी बोल रहे हो वो इसलिए, और अभी तक मेरी स्टोरी भी नहीं आ पाई। गाइस मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, जैसे ही मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है। और अभी आपको पता है कि मायरा का बर्थडे मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ। आप लगा लो कि मायरा का बर्थडे परसों और आज हम शॉपिंग करके आए हैं, और मायरा की ड्रेस मुझे आज रिसीव हुई है, वो भी ये हुआ है कि अभी भी सही नहीं है, मैं उसको कल फिर वीफास्ट से वापस से कूरियर करूँगी, वो ठीक करवा के मुझे जो भी बना रही है मायरा की ड्रेस वो मुझे वापस वीफास्ट से फिर भेजेगी। और आप लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ था मेरे साथ, हमने मायरा का केक बुक कर रखा था, सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं दो दिन बिजी रह गई, केक वेक सब फाइनल हो गया था, मैं उनको पैसे नहीं भेज पाई, एडवांस पेमेंट नहीं कर पाई, मैं भूल गई चीज़ें बहुत सारी, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो जब मैंने दो दिन बाद उनको कॉल करा कि मैं आपको मायरा के बर्थडे केक का एडवांस पे कर रही हूँ, तो शी सेड के सॉरी मैम मैं ऑलरेडी बुक हो चुकी हूँ, आपने पेमेंट नहीं करी, तो मुझे लगा कि आप केक नहीं बनवाना चाहते हो। और फिर हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि मायरा के केक में बहुत सारी कस्टमाइजेशन थी, बहुत सारे साइडर्स थे, तो हम एकदम से परेशान हो गए। हमने सब जगह सारे कॉन्टैक्ट निकाले, तो सब 2 तारीख को सारे केक बेकर्स, जो सारे बेकर्स हैं सब बुक थे, क्योंकि 2 अप्रैल बहुत ज़्यादा हैवी डेट है। तो एकदम से ये कुछ दिन मेरे पिछले बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर वाले रहे हैं, ना मैंने कोई ब्लॉग शूट करा ठीक से, ना मैंने कोई ब्लॉग एडिट करा, तो इसी वजह से मेरी स्टोरी भी थोड़ी सी लेट हो गई है। नहीं राइम से नहीं आता, तो बस फिर मैं अभी ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करूँ, ताकि मैं अभी आराम से टोनी के बर्थडे का ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। सो या गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और या मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।